और उससे उसका प्रभाव हम पर भी पड़ता है। पहले सबसे बड़ी बीमारी जो हम पर आई वो कोरोना वायरस था। कोरोना वायरस ने सारा कुछ बैठा दिया, सारा ट्रेड बैठ गया, सब कुछ बैठ गया। लोग जहाँ 50,000 नौकरियां लगनी थी वहाँ कुछ नहीं लगा। डॉक्टर साहब, आपने कहा पड़ोस की भी हालत ठीक नहीं, क्या उसमें अफगान का कुछ इम्पैक्ट है? मुझे बताइए कौन सा पड़ोसी जो है वो इस वक्त ठीक हालत में, बताइए मुझे। हमारे पड़ोसी कौन है? पाकिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, मालदीव्स है? उनके हालात कैसे? कोई भी हमारा जो पड़ोसी है उसके हालात हम ये कहें कि बिल्कुल ही सामान्य हैं, वो नहीं। उसमें अफगान का इम्पैक्ट है जो मौजूदा वहाँ पर जिस हुई है? आप लोग अफगान के ऊपर तो जरूर कहेंगे, आप लोग क्योंकि तालिबान का आप जिक्र नहीं करते, आप अफगान की बात करते हैं। तालिबान का असर तो जरूर पड़ेगा कहीं ना कहीं। अब कहाँ पड़ेगा, कितना अमेरिका पे पड़ेगा, कितना रूस पे पड़ेगा, कितना चीन पे पड़ेगा, क्या पता, कोई पता नहीं। यहाँ के हालात के हवाले से अगर देखेंगे, जो आपने कहा यहाँ के जो सरपंच पंचेस की उनकी सिक्योरिटी की आपने अभी बात की, क्या आपने कहा मिलिटेंसी अभी भी है और उसके हवाले से नहीं है? अभी मैं बात कर रहा था निर्मल सिंह जी से, 5 तो बीजेपी के मारे गए, अपना पार्टी का एक आदमी मारा गया, खुदा जाने आगे क्या होगा। और अगर पंचायत या डीडीसी मेंबर या पॉलिटिकल पार्टी कोई भी हो, उन्हें काम करना है, उन्होंने आगे चलना है, तो उसके लिए उनकी सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है। और जब तक उनकी सिक्योरिटी, आप कैसे वो काम करेगा, पंचायत मेंबर कैसे काम करेगा, कैसे पहुंचेगा वो अपने गांव में? सर एक 5 अगस्त 2019 को जो कहा गया था भारतीय संसद में कि बहुत कुछ बदलेगा, 2 साल से ज़्यादा हुए हैं, आपको क्या लगता है क्या कुछ बदला है जम्मू कश्मीर में? मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं क्या कहूँगा, आपको खुद देखना चाहिए कि कितना बदला है, कितना बदलाव है। हमारी क्या स्थिति बहुत अच्छी हो गई है, क्या हमारी सिक्योरिटी बहुत अच्छी हो गई है, हमारे डेवलपमेंट बहुत अच्छी हो गई है, आप लोगों को खुद देखना है। फारूक अब्दुल्ला अगर मैं कुछ कहूँगा तो कहेंगे जी ये तो अपोजिशन का आदमी है इसलिए ये अपोजिशन की बात कर रहा है। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कहता, मैं कहता हूँ आप खुद देखो। डॉक्टर साहब, आपकी पार्टी अब चुनावी प्रक्रिया में भाग लेगी, चूँकि जो हम लोग जीतेंगे ये मैं आपको कहना चाहता हूँ, हम लोग झंके की चौप में कहता हूँ, क्योंकि अगर ये ईमानदार इलेक्शन करेंगे तो नेशनल कॉन्फ्रेंस विल बी द बिगेस्ट पार्टी है। आपने इशारा अफसरों को दे दिया कि हमारी हुकूमत आने वाली है, फोन उठाएगी? नहीं, फोन ही नहीं, दे विल बी अकाउंटेबल टुमारो फॉर व्हाट दे हैव डन। आज वो अपने आप को बादशाह समझते हैं, वो बादशाह नहीं है, वो लोगों के गुलाम हैं, उन्हें लोगों के लिए काम करना है। और जब तक वो ये नहीं सीखेंगे कि उनको लोगों के लिए काम करना है, तब तक वो उसके सामने भी जवाब नहीं दे सकेंगे जहां उन्होंने एक दिन जाना है। फारूक साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस, गुड लक।